हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स में। आज हम बात कर रहे हैं चिकन पॉक्स डिसीज़ के बारे में। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो इसके कारण और देखभाल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। चिकन पॉक्स क्या होता है? चिकन पॉक्स एक संक्रामक और बच्चों में होने वाली आम बीमारी है। इससे बाद में त्वचा पर रैशेस, त्वचा पर खुजली वाले छाले और उन पर पपड़ी जम जाती है। यह शुरू में जुकाम या नाक बहने से होता है। कैसे होता है चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स वायरसेला जॉस्टर नामक वायरस से होता है और यही कारण बनता है चिकन पॉक्स का। इस दौरान बीमार बहुत संक्रामक हो जाता है और बहुत ही आसानी से 2 से 5 दिन में छींक या खांसी के जरिए वायरस फैला सकता है। किसे खतरा है चिकन पॉक्स से? 2 साल के कम के बच्चों को चिकन पॉक्स होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, या फिर किसी ने इंजेक्शन या वैक्सीनेशन ना लगाया है तो उन्हें हो सकता है, और बच्चों को ये संक्रमक किसी और बच्चे से भी हो जाता है। चिकन पॉक्स के लक्षण। इसकी शुरुआत एक साधारण से लगने वाले जुकाम, खांसी, थकावट और नाक बहने से होती है, जो 1-2 दिन में चिड़चिड़ापन में बदल जाती है। बाद में त्वचा पर रैशेस, पूरे बदन पर पानी वाले छाले या ब्लिस्टर्स जिसे कहते हैं, जो कि बाद में पपड़ी में बदल जाते हैं। भूख में कमी, बुखार, मांसपेशियां या जोड़े में दर्द जैसे लक्षण नज़र आने लगते हैं। कैसे बचे चिकन पॉक्स से? चिकन पॉक्स के इंजेक्शन वैक्सीनेशन सबसे कारगर तरीका है इस बीमारी से बचने का। वैक्सीनेशन इसके वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसके अलावा अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना एक और तरीका है इस बीमारी से दूर रहने का। हमारे चैनल में इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में एक वीडियो है, डिटेल वीडियो, कि आप बच्चे में कैसे इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, चेक करना मत भूलिएगा। चिकन पॉक्स के विभिन्न इलाज। डॉक्टर के बताए इलाज को करते हुए अतिरिक्त एहतियात आवश्यक बरतें। इस दौरान बच्चे को भी एस्पिरिन ना दें जब तक डॉक्टर ना बताए। कोई भी टैबलेट, एंटीबायोटिक्स मत दें आप। बिस्तर पर संपूर्ण आराम देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और नहलाने के लिए ठंडे पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के नहलाएंगे और बाद में कपड़े से नीटली पोंछ देंगे तो बेहतर रहेगा। बॉडी लोशन अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो उसे लगाना बहुत अच्छा रहेगा। भरपूर पानी पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होगी इस दौरान। यह कैसे फैलता है? चिकन पॉक्स बहुत ही संक्रामक बीमारी है। इसका वायरस बहुत आसानी से छींकों या खांसी या छालों को छूने से फैलता है। थूक का एक कतरा भी इस इन्फेक्शन को दूसरे तक पहुंचा सकता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि बीमार को कम से कम 15 दिन अलग रखा जाए, जिससे ये बीमारी दूसरों को ना हो। भारत में चिकन पॉक्स से जुड़े भ्रम। चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन 1990 के दशक तक भी प्रचलित नहीं थी और इसे जोड़ा जाता था देवी या माता से। अभी भी ऐसे ही बोलते हैं कई घरों में। अगर बच्चे को या किसी को चिकन पॉक्स आ जाता है तो घर में माँ आई है ऐसे माना जाता है। इसमें कोई भी दवा नहीं दी जाती इन्फेक्टेड पर्सन को, और उन्हें 1-2 हफ्तों तक बंद कमरे में छोड़ा जाता था, और नहलाना तो दूर, उन्हें अच्छा खाना भी नहीं दिया जाता था। अब समय बदल गया है, पर बहुत सारे घरों में, खासकर गांव में, इसे और भी माना जाता है। तो ये एक भ्रम है, डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, ये जान लीजिएगा आप। बच्चों में चिकन पॉक्स की बड़ी चिंता होती है। चिकन पॉक्स बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम होती है। इस इन्फेक्शन के फेफड़ों तक फैलने की संभावना बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, जो भी आगे जाके बहुत ही डेंजरस हो सकता है। छाले में दूसरे बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे इसका निशान पूरी ज़िंदगी तक बने रहते हैं। तो बच्चों में खासकर जब भी ये हो, डॉक्टर को दिखा के उनका सजेशन लेना आवश्यक होता है। चिकन पॉक्स में त्वचा की देखभाल। अपने बच्चे या इन्फेक्टेड व्यक्ति को ठंडा रखें और जितना हो सके गर्म मौसम में और पसीने से बचें। सिर्फ सूती और ढीले कपड़े ही पहनाएं, कॉटन क्लोथ्स। ध्यान रखें कि वह अपनी त्वचा को खुजाएं ना ही छीले, वरना लाइफ लॉन्ग मार्क जैसे मैंने बताया हो सकता है और इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है।
ठंडे पानी में जैसे पहले बताया बेकिंग सोडा डाल के नहला दीजिएगा, बाद में मलमल के कपड़े या किसी भी सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से वाइप आउट कर दीजिएगा स्किन को, और कैलामाइन लोशन या कोई भी लोशन जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उन्हें अप्लाई कीजिएगा। चिकन पॉक्स में क्या खाना दिया जा सकता है? मांसाहारी खाना या गेहूं या आटे से बना खाना, मैदा से बनाया खाना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें तो अच्छा है। कोई भी खाना जो हीट बढ़ा सकता है बॉडी में उससे दूर ही रहें। सिट्रस फल जैसे मौसम्बी, ऑरेंज वगैरह मत लें। नींबू भी कम खाएं क्योंकि ये खारिश में बढ़ोतरी कर सकता है। इवन नमक को भी अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो इचिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। और जंक फूड देने की ज़रूरत ही नहीं है इस दौरान। खूब सारे फल और सब्ज़ियाँ दें बच्चे को, जो रोग निरोधक शक्ति बढ़ाती है। और उस टाइम पे पानी या जूस दें अच्छे तो वो अच्छा रहेगा। और पीने के लिए बड़ों को अगर चिकन पॉक्स होता है बड़े बच्चों को या फिर बड़ों को, तो हर्बल टी, दालचीनी की टी, कैमोमाइल टी, तुलसी की चाय वगैरह बना के भी दे सकते हैं। ध्यान देने वाली बातें, अपने आप डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयां देना बीमार के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। स्कूल या डे केयर में जाने वाले बच्चों को कम से कम 2 हफ्ते घर पर ही रखें जिससे ये संक्रमण फैलने से बच सके। गर्भवती महिलाएं चिकन पॉक्स में और भी सावधानी बरतनी चाहिए उन्हें, क्योंकि इस दौरान बच्चों में जटिलता या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती है। अपने डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहें, उनसे पूछिए कि इस दौरान आपको कैसे सेफगार्ड करना है अपने आप को। चिकन पॉक्स एक मौसमी बीमारी नहीं है जो इसी सीज़न में आती है, पर स्टडीज़ के हिसाब से ज़्यादातर वो फैलती है वसंत और सर्दियों के मौसम में, जो मार्च से मई के बीच में आता है। तो ये थे बहुत सारी जानकारियाँ चिकन पॉक्स के बारे में। आशा है कि आपको ये डिटेल्स पसंद आई, हमारा वीडियो पसंद आया। हमारे चैनल में बहुत सारे डिटेल्स हैं ऐसे बच्चों के हेल्थ केयर के बारे में, बेबी फूड, किड्स फूड रेसिपीज़ भी बहुत ज़्यादा है हमारे चैनल में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। और हम फिर से मिलते हैं एक अच्छे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय बाय।